सोलन में निजी स्कूलों की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है और बिना किसी डर के नियमों को तार तार करते हुए परिजनों की जेबों पर सरेआम डांका भी डाला जा रहा है। फीस में कई गुना वृद्धि की जा रही है, साथ में हद तो इस बात की है कि एनुअल चार्ज में करीब 6 गुना वृद्धि की गई है, जिसके चलते एक माह में करीब 20 से 30 हजार फीस पहुंच चुकी है। ऐसे में जिनके 2 या 3 बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें 50 से 75 हजार फीस देनी पड़ रही है, जिसके चलते परिजनों के होश उड़ चुके हैं और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि वे बच्चों को नर्सरी की शिक्षा दे रहे हैं या कि उच्च शिक्षा के लिए भेजे गए हैं। संघर्ष समिति की नवनियुक्त अध्यक्ष देवानी शर्मा और पदाधिकारियों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि स्कूल प्रबंधन बिल्कुल बेलगाम हो चुका है और फीस में लगातार वृद्धि कर रहा है। कई महिलाएं फीस के लिए इतनी चिंतित हैं कि उन्हें रोना भी पड़ रहा है। कई गुना फीस में वृद्धि से लोगों का बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है। अब सभी परिजनों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ये निर्णय लिया है कि वे जल्द स्कूल प्रबंधन से मिलेंगे और अगर उन्हें फीस वृद्धि के निर्णय वापस नहीं लिया तो वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से भी इसकी शिकायत की जाएगी। स्कूल लगातार बेलगाम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार जो काफी समय से निजी स्कूलों पर नकेल कसने की बात करती है, वे परिजनों को आज केवल जुमले ही लग रहे हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। स्कूलों में अध्यापक नहीं है, जिसका फायदा निजी स्कूलों को सीधे तौर पर हो रहा है। अब सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि वे निजी स्कूलों की फीस को निर्धारित करें ताकि लोगों को फीस वृद्धि से निजात मिल सके, अन्यथा नर्सरी की पढ़ाई के लिए उच्च शिक्षा की पढ़ाई के बराबर फीस देने पर परिजनों को मजबूर होना पड़ेगा। हमारा मेन मुद्दा है जो ये लोग हमसे एनुअल फी चार्ज कर रहे हैं, उसका क्या बेस है जो एनुअल फी ये चार्ज कर रहे हैं, और इस बार इन्होंने एनुअल फी जो है वो डबल ट्रिपल हमसे ले रहे हैं। एक एक क्लास से कम ये एक एक क्लास से 12-12, 13-13 हजार तो सिर्फ एनुअल फी है। टोटल अमाउंट जो उनका आता है अप्रैल में 25,000, 26,000 और 27,000 हमें पे करना पड़ रहा है। ये तो हम पेरेंट्स को एक सज़ा है और हम सब इसके लिए अब आवाज़ उठा दी है हमने, और अब हमारी आवाज़ रुकेगी नहीं। हम पहले तो मिलेंगे पूरी मैनेजमेंट से, प्रिंसिपल से, अगर वो हमारा ये यहाँ पे मुद्दा सॉल्व करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम सब इकट्ठे हो गए, हमने आगे जाना है। फिर प्रैक्टिकल फीस ये चार्ज करते, गेम और स्पोर्ट फीस ये चार्ज कर रहे हैं। जब कोई बच्चा स्पोर्ट्स खेलने के लिए जब कोई बच्चा जाता है तो उससे एक्स्ट्रा लिया जाता है। 2 दिन पहले एक लेडी का मुझे कॉल आता है और वो इतनी बुरी तरह से रो रही थी। वो कहती है, मैम आज हमारे घर में रात को खाना नहीं बना है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम होगी? कहती मेरे 3 बच्चे सेंट लुक्स में हैं, मुझे अप्रैल में 75,000 रुपये देने पड़ेंगे, आप बताओ हम कैसे करेंगे। स्कूल के अंदर कोई इंफ्रा ऐड नहीं किया है, कोई स्पोर्ट्स की जो है फैसिलिटीज़ ऐड नहीं की हैं, उसके अलावा कोई क्या कहते हैं स्टाफ में कोई बहुत ज़्यादा बेटर स्टाफ नहीं ले लिया है, बिकॉज कि इनका जो स्टाफ होता है मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट्स पे होते हैं 1 साल 2 साल के लिए, तो ऐसा कुछ भी उन्होंने इंक्रीज़ नहीं किया है। और ना अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन रेट भी इतना हाई नहीं हुआ कि आप 100% फीस इंक्रीज़ कर दें। सिलेक्टेड वेंडर्स रखे हुए हैं यहाँ पे सोलन में, कि आप अगर बुक्स लेते हैं, कोई स्टेशनरी शॉप है तो एक बुक्स सेलर को दिया हुआ है आपने, जितनी भी बुक्स होंगी वो स्कूल की आपको वहाँ से मिलेंगी, या यूनिफॉर्म आपको लेनी है तो एक पर्टिकुलर वेंडर रखा है उससे आपको मिलेंगी। तो ये एक तरह से मोनोपोली है, इस तरह का नहीं होना चाहिए, ये तो ओपन मार्केट होना चाहिए, सबके पास मिलना चाहिए। अगर मैनेजमेंट हमारी मांग नहीं सुनती है तो वो तो सिर्फ स्कूल में बताना, स्कूल से डेस्क पे उनसे बात करनी, वो एक जो है पहला स्टेप होगा। उसके बाद काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास जो खुली हुई हैं, काफ़ी CM लेवल तक हैं, DC लेवल तक हैं, और क्या कहते हैं अपने लीगल सेल तक हैं, तो हम वहाँ पर सब जगह अप्रोच करेंगे।